हमारा लेक्चर का जो मौजू है जैसा कि आप लोगों को सलाइड से वाज तौर पर नज़र आ रहा है सिविल जज एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन गाइडलाइंस बाय बाई आ जज इससे पहले आप लोगों को मतदद बार रहनमई कर चुके हैं आप लोगों की एग्ज़ाम किस तरह देना है इसका तरीक़ाक क्या होना चाहिए लेकिन जब से आप दोबारा कल से यकीनन एडवर्टीज़मेंट हुई है तो अक्सर बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब इम्तहान की तैयारी कैसे करें या वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए मुनासिब सोचा कि आप लोगों को एक गाइडलाइन बकायदा लेक्चर की शक्ल में दी जाए तो रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स इससे पहले के बातें जो मुख्तलिफ़ लोगों से सुनी या कहीं कोई लेटरेचर रिव्यू कहीं पढ़ा गाइडलाइंस वगैरह कि इम्तहान की तैयारी कैसे करें या क्या तरीक़ार है कि मैक्सिमम पॉसिबल के आप लोग इम्तहान में पास हो जाएं इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीक़ार सोचा गया दोस्तों से रहनमई ली गई तो इसका एक आसान सादा सा तरीक़ार ये सोचा गया कि मुख्तलिफ़ दोस्तों से खासकर कर जायान से, से जब ये रह ली गई कि सर तैयारी का तरीक़ार कैसा होना चाहिए तो उन लोगों ने कुछ असूल बताए कुछ बातें बताईं और ये असूल बातें सिर्फ़ अब उन लोगों के लिए नहीं हैं जो इस दफ़ा अब इम्तहान देना चाहते हैं बल्कि ये उन लोगों के लिए भी हैं जो ला का प्रोफेशन अडाप्ट करना चाहते हैं बिलखसूस एल एल बी वगैरह करना चाहते हैं और जो एल एल बी के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन फ्यूचर सिविल जज या एडिशनल साइन जज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए रहनमई है अब रहनमई का तरीक़ाकार क्या आज अख्तियार किया गया तो इसका यह है कि जैसे आप लोगों को बताया कि मुख्तलिफ़स के, के इंटरव्यू लिए गए उनसे रिक्वेस्ट की गई कि सर आप अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर करें तो उन लोगों ने जो तरीक़ाकार बताया उसको एक स्लाइड की शक्ल में मुख्तर ज़रा कर दिया गया है ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो अच्छा ये इसके साथ ही आप लोगों को ये गुजारिश है कि वो स्टूडेंट जो एडिशनल सेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इन ताला उनके लिए एक और लेक्चर किया जाएगा ताकि तसल्ली के साथ उन्हें भी गाइडलाइन जो मुनासिब दी जा सके इन शाह तला देंगे अब ये जैसे आप लोगों को बताया कि पर्सनल एक्सपीरियंस उसके लिए जो उन्होंने सबसे पहले बात की वो था करैक्टर और फेथ ऑन अल्लाह अलमाइटी अब इसका जनरली कहा जाता है कि जी करैक्टर हर इंसान का पर्सनल होता है ठीक है जी पर्सनल नो no डाउट हम एहतराम करते हैं आपके इस मौक़ का लेकिन कम अज़ कम करेक्टर अपना ऐसा रखें कि एक सकून और अमन हो आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो टेंशन ना हो एनजाइटी ना हो बाकी आप लोग माशाल्लाह मेचोर हैं हर चीज़ को समझ चुके हैं और दूसरी बात फेत ऑन अल्लाह आलमाय अल्लाह अल्लाह रबुल्ज़त पर कामिल यकीन कामिल यकीन से क्या मुराद है कि जब अल्लाह पर आपका मुकम्मल भरोसा हो आपको यकीन हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ बहुत अच्छा करेगा आप जिस मंजिल पर हैं आप जो जस्त जो जुस्त जु कोशिश कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको इसका सिला देगा कुरान पाक में अल्लाह इज़्ज़त ने वही तौर पर फरमाया है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है अल्लाह इज़्ज़त उसका हक रहेगा नहीं जाने देता ये अब आपके अपने बस में है कि आपने क्या कोशिश की है और कितनी कोशिश की है अब स्टूडेंट्स उसके बाद आप आ जाए मेन दूसरी चीज़ों पर मान अक्सर का ये था कि उन्होंने ला कॉलेज में जब भी वो तालब इलम थे क्लासेस को हमेशा रेगुलर अटेंड किया उसके साथ क्या क्या था विद प्रैक्टिकल ला अप्रोच एंड एक्सपीरियंस अब उनसे इस बात की विज़ात पूछी गई तो वो ये बताते थे आप देखें ना पूरा पाकिस्तान है हमारा या पंजाब है इसमें मुख्तलिफ ला कॉलेजेज हैं अब हर ला कॉलेज का एक अपना मियार है अब दोस्तों का ये था कि जी जब भी हमारी क्लासेस वग़ैरह होती थी तो प्रजेंटेशन होती थी तो रेलीवेंट जो केस लाश थे उस सब्जेक्ट पर वो हमें पढ़ाए जाते थे फिर प्रजेंटेसन दी जाती थी अब केस लाश है जैसे आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं कि एक स्टोरी कहानी फैक्ट्स की समझ आ जाती है कि मामला बिटवीन द पार्टीज क्या था और इसका लीगल सॉल्यूशन क्या निकला ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया अब इसका सारा आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर इसके साथ आपका ये रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के साथ है जब आप केस ला को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको इसकी समझ भी आ जाती है अब ये रीडिंग ला जर्नल केस लाज केस लाज की रेगुलर हैबिट होना अच्छे तरीके से पढ़ते रहना मुख्तलफ सब्जेक्ट्स पर ये एक आपकी बेहतरीन आदत है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है उसके बाद आ जाए अब वो ये कहते थे दोस्त कि मोटिवेशन डिज़ायर एम परपज़ क्या आपकी जिंदगी का मकसद क्या है आप मैच्योर हैं अब ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं आप ज़िंदगी की इस उम्र में हैं कि अब आपका एक मकसद क्या है कि आपने अपना मकसद कैसे अचीव करना है और वो मकसद क्या है अब इसको आप शौक़ भी कह सकते हैं और जैसे आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा इंसान कामयाब दो चीज़ों की वजह से होता है या तो शौक़ है या मजबूरी है शौक को आप मोटिवेशन डिज़ायर एम पर्पस कह सकते हैं और मजबूरी को कंपलशन नेसेसिटी सरवाइवल अक्सर अबाव द नाइन्टी परसेंट लोगों की मजबूरियां होती हैं फिनानशियल प्रॉब्लम्स होते हैं तकरीबन पूरी दुनिया का यही हाल है मोस्टली हमारे यहाँ आप बड़े सगीर में देख लें या पाकिस्तान में देख लें नाइन्टी परसेंट हमारे लोग मिडिल क्लास से भी बहुत कम हैं तो इसमें ऐसी कोई ऐब की बात नहीं है अल्लाह इज़्ज़त ने हर किसी को यकसा मौके दिए हैं लेकिन अगर इंसान अपनी मजबूरी समझ लेना कि उसके फिनानशल या दूसरे हालात क्या हैं उनको मद्देनज़र रख कर वो अपने मकसद की तरफ जाए ये भी एक कामयाबी की बहुत बड़ी अलामत समझी जाती है अब उसके बाद आ गई मेन चीज़ पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जब भी किसी इंसान में कंसिस्टेंसी नहीं होगी डिसिप्लिन नहीं होगा जैसे आप लोगों को बताते हैं ना अक्सर हम तकरीबन सब लोगों की ख्हैश होती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा उदा हमारे पास हो या दुनिया का बड़ा उदा हमारे पास हो ख़ैश तो हर इंसान करता है लेकिन उस खैश की जो कीमत है वो शायद ही बहुत थोड़े लोग अदा करते हैं उस कीमत में मेन चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी है जब आपको यकीन हो अपनी मंजिल पर फिर इंसान जुस्त जू और कोशिश करता है अब इसमें कुछ सैको प्रॉब्लम भी आ जाते हैं मुख्तलि मसइल वो इन शाह तल बात काफ़ी लंबी हो जाएगी या हम अपने मौजू से हट जाएँगे लेकिन शार्टली मैं आप लोगों को सिर्फ हेंट देता जाऊँगा जैसे ये एग्ज़ाम का सलेबस है अक्सर स्टूडेंट्स वग़ैरह यही कहते हैं कि सर इतना बड़ा सलेबस है हम कैसे करें मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल या मसैल के सिर्फ जवाब दो ही हैं आपका शौक़ है या मजबूरी है शौक़ और मजबूरी को अगर इंसान मद्देनजर नज़र रखे तो कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है उसके बाद ये लास्ट है फर्म फेथ एंड कन्विक्शन ऑन एम बहुत अहम चीज़ है जैसे इसका लिंक शुरू में भी बता चुका हूँ जब आपको यकीन हो ना अपनी मंजिल पर आपकी यकीन की मंजिल इतनी पुख्ता हो जाए कि आपको अपनी आँखों के सामने मंजिल नजर आ जाए आपको आपका ख्वाब सच नज़र आना शुरू हो जाए आपकी जस्तजू और खैज से और सबसे बड़ी बात आपके अमल से तो बहुत आसान हो जाती हैं सारी चीज़ें है तकरीबन। अब कन्विक्शन ऑन एम अब जो आपका एम है ना उस पर आपका यकीन कामिल हो जब ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये सब चीज़ों का आप लोगों को बेहतरीन अद्राक हो जाएगा तो मंजिल को हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है अब ये इंटरव्यू भैया जज आप लोगों को सारे पॉइंट्स की शक्ल में बता दिए जो मेन असल चीज़ है अभी आप लोगों ने उसको जहन में रखना है और हमेशा के लिए इसको अपने कहते ना कि दिमाग पर एक चीज़ लिख लेनी है सबसे पहली बात अब ये आपको चलो थोड़ा सा ये सिलेबस के हिसाब से बताते जाएं ताकि नेक्स्ट नेक्स एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाए अच्छा ये रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है आप आज इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये शेयर कर देता हूँ मेरे पास कुछ लिटरेचर है तो आप लोगों को सब्जेक्ट को पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जैसा कि स्लाइड में आप लोगों को नजर आ रहा है वेज टू एक्वायर नॉलेज अ टाइम लाइस अ टाइम लेस गाइड फ्राम नाइनटीन थर्टी सिक्स ये आप लोगों को इन शाह तला लिटरेचर मिल जाएगा आज तो इससे भी आप लोगों की काफ़ी मावनत हो जाएगी और ये इसके साथ ही एक और चीज़ मैं शेयर करता जाऊं आप लोगों के साथ वो है हमारा मेन इसका सलेबस आप सिलेबस की तरफ आ जाएं इसमें कोई थोड़ी बहुत तरमीम हुई है उसको भी जहन में रख लें अब पेपर तो वही हैं सात पहला सिविल ला वन है दूसरा हमारा सिविल ला टू है तीसरा क्रिमिनल ला चौथा जनरल ला इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज अब हंड्रेड मार्क्स हैं हर पेपर के टोटल हैं आप लोगों के फिलहाल अभी रिटर्न के लिए सेवन हंड्रेड मार्क्स और सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है अब सिविल ला वन में सारे सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से हैं सिमिलरली सिविल ला टू के भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं हमारा ये हो गया क्रिमिनल लॉ का पेपर थ्री उसके बाद चौथा जनरल लॉ है और पाँचवा छठा और सातवां हमारा है जनरल नॉलेज का अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना इन पर जो अवेलेबल रिटर्न मटेरियल है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है वहाँ से भी आप लोग गाइडलाइन ले सकते हैं अब ये हमारा जो बिलखसूस हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन शाह आज ही आप लोगों को कोशिश करते हैं या कल तक टाइम टेबल शेयर हो जाएगा रिस्पेक्टेबल सर बाबर साहब से भी इस पर मावनत लेते हैं उनका मशवरा सर जहांगीर साहब का भी और हमारी बहन रिस्पेक्टेड मैडम साहबा से भी तो इन ताला बाकी भी जितने लोग हमारे इसमें ग्रुप में शामिल हैं खासकर जो पढ़ाने वाले हैं उनसे सब्जेक्ट्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन भी और शेडूल रूटीन टाइम टेबल कि किस हिसाब से हमने अब इस क्लास को लेके जाना है ये थी मोटी मोटी बातें जो आप लोग पूछ रहे थे सब को तरतीब के साथ बता दिया है अब आप लोग तैयार हो जाएं तैयारी के लिए अल्लाह इज़्ज़त बहुत बेहतर करेगा और ये भी बात आखिर में जहन में रख लें कि आप लोगों की तैयारी कभी रहगा नहीं जाती और अगेन मैं रिपीट करूँगा उन बच्चों का सवाल अक्सर के ये थे कि सर टाइम थोड़ा है आप देखें ना एडवर्टीज़मेंट हो गई थर्टीन जनवरी को और ट्वेंटी फिफ्थ मार्च को शायद पेपर शुरू होने हैं तकरीबन दो सवा दो माह का टाइम पीरियड है आप लोगों के पास तो यह फिर इन शाह फॉर टाइम बींग डिस्कस हम करते रहेंगे चीज़ें कि आप लोगों का शेड्यूल या टाइम कैसा होना चाहिए लास्टली मैं ये गुजारिश करूँगा कि फ़िलहाल आप लोग अपना माइंड बना लें तैयारी शुरू कर दें दाखला भेज दें अच्छे तरीके से जब आप लोग पढ़ेंगे ना एक शेड्यूल टाइम टेबल बन जाएगा बजाय तो शायद आप लोगों को ये पहाड़ नज़र आ रहा होगा कि सर इतना सिलेबस कवर कैसे हो सकता है लेकिन जो एक्सपीरियंस जाए साहब का शेयर किया आपके साथ उसको अगर आप लोग मद्देनज़र रखेंगे सबसे बड़ी बात बेटा अहम बात इन सब बातों में से आप लोगों का टाइम टेबल है जब आप लोग ज़ीरो टॉलरेंस पैदा कर लेंगे अपने शेड्यूल में डिसिप्लिन में कैसे किसको हंड्रेड परसेंट फॉलो करना है जो हमारी रूटीन की अदर एक्टिविटीज़ होती हैं मसलन घूमना फिरना शादियाँ या फिर दीगर जहाँ आप लोगों का जाना ज़रूरी नहीं है उनको अगर आप लोग अपनी लाइफ में माइनस कर दें पहली बात दूसरी ये कि टाइम टेबल का कई दफ़ा आप लोगों को बता चुके हैं बेटा रात को कोशिश करें नौ से दस बजे के दरमियान सो जाएं सुबह तीन चार बजे उठ जाएं ये जो सुबह तीन चार बजे से आठ नौ बजे का टाइम है ना दुनिया का बेहतरीन टाइम है स्टडी का बल्कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि ज़्यादातर तहकीकात पूरी दुनिया में इन्वेशनस जितने भी हुई हैं जिन इंसानों ने कमाल किया है इस दुनिया में अक्सर उनका जो रिसर्च टाइम था पढ़ने का टाइम था वो रात का टाइम था खासकर सेकंड टाइम शरीयत के हिसाब से भी बाकी भी काफ़ी वैसे से अक्सर ये दोस्त कंक्लूड करते हैं कि इस वक्त इंसान का माइंड फ्रेश होता है बंदा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है दिन को आप लोग अपना टाइम टेबल सेट कर लें और मेन बात इन्हीं बातों में से कि समझ के पढ़ें सब्जेक्ट है ना उसके एक सिंपल सी मैं आप लोगों को गाइडलाइन देता हूँ चैप्टर्स हैं नौ हैं दस हैं पंद्रह हैं किसी भी सब्जेक्ट के आप उनकी पहले हेडिंग बनाएं उनको पहले चैप्टरजेशन को ना जहन में रखें कि ये चैप्टर किस चीज़ को डील करता है जब आप उसकी थोड़ी सी मजीद स्टडीज़ करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकली ये मूविंग नज़र आएगा सब्जेक्ट कि इसके एप्लीकेशन कैसी है किस चीज़ से यह डील करता है तो ये लिटरेचर रिव्यू इंशाल्लाह ताला जो मटेरियल आज आप लोगों को भेजेंगे शेयर करेंगे उससे सारी बातों का आप लोगों को जवाब मिल जाएगा बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है तो आप लोगों को इसका जवाब मिल गया अब इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीन एक तरह की लेक्चर सीरीज़ है सिविल जस्टिस सिस्टम उसमें हम इन ताला सिविल जज और एडिशनल सेशन जज का जो सिविल पोर्शन है उसको कवर करेंगे बाकी जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो सिविल जज और एडिशनल सहन जज और बाकी हमारे ला के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके हवाले से उन उन चीज़ों को इनशाला तला करेंगे और तीसरा ये एपिटाइज़र के नाम से था उसको भी अब इन ताला कंटिन्यू करते हैं जिसमें आप लोगों का ये जनरल नॉलेज हो गया उर्दू हो गया इंग्लिश हो गया इसमें मैक्सिमम कोशिश करेंगे लेकिन ये सीरीज़ सब्जेक्ट टू परमिशन और एडवाइज़ सर बाबर साहब जैसे मशवरा देंगे शाह साहब लोग या मैडम साहबा उसके मुताबिक ही लेक्चर सीरीज़ को चलाएंगे अदरवाइज़ जो भी चलो कोशिश हो सकती है आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प की वो बेटा करते रहेंगे इन बातों के साथ आप लोग इजाज़त दें अल्लाह इज़्ज़त हम सब लोगों का हामीना नासिर हो असल वरहि वबरकू